Of Allah Almighty, the most gracious, the most merciful. Respected students, friend, follower, this is online academy, the ESL Academy of Linguistics and Literature. Our contact number is 0305-631-9464. Subscribe, like our channel, the ESL Academy. Aap online coaching ke liye humse rabta kar sakte hain. Our contact number is 0305-631-9464. Respected student, today we will discuss T.S. Eliot, Thomas Stern Eliot. We'll discuss life. We'll discuss T.S. Eliot as a critic. Before that, we will discuss T.S. Eliot as a poet, but today we will discuss T.S. Eliot as a critic. We'll also discuss influence on T.S. Eliot. T.S. Eliot 1888 ko अमेरिका के अंदर पैदा हुए और 1965 में इंग्लैंड के अंदर T.S. Eliot की डेथ होती है. T.S. Eliot ताल्लुक रखते हैं अमेरिका से और ट्रेडिशन और कन्वेंशन को लाइक करते हैं. वो जिस एरिया में रहते थे मोस्टली लोग इंग्लैंड के की इनहेरिटेंस से ताल्लुक रखते थे. दे वर इनहेरिटेड फ्रॉम इंग्लैंड. अमेरिका के अंदर एक प्लेस है जहां मोस्टली इस तरह के कबायल रहते हैं जो इंग्लैंड से माइग्रेटेड है. तो उनके दरमियान ये वहां पैदा हुए हैं और इन्फ्लुएंस थे उनसे. T.S. Eliot के ऊपर इन्फ्लुएंस है इंडियन लिटरेचर का, फिलोसफी का. इन्फ्लुएंस ऑफ एज़रा पाउंड, वाज आल्सो अमेरिकन. Influence of metaphysical poet, influence of Dante, and influence of French symbolism. T.S. Eliot बात करते हैं. T.S. Eliot कहते हैं कि French writers और जो poets हैं, critics हैं, वो अपनी writing को दो तरह से देखते हैं, अपने work को, literature को दो तरह से देखते हैं, उसके merit और demerits दोनों को देखते हैं. जबकि जो इंग्लैंड के लोग हैं, जबकि जो इंग्लिश पीपल हैं, वो कंक्लूसिव हैं, स्पॉन्टेनियस हैं और वो क्रिटिकल वे से नहीं देखते. अ राइटर शुड सी वर्क विद क्रिटिकल अप्रोच. ही सेड क्रिटिसिज्म इज इनेविटेबल एज ब्रीथिंग. T.S. Eliot ने बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिए हैं स्पेशली इन द फील्ड ऑफ क्रिटिसिज्म. T.S. Eliot क्रिटिसिज्म में डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव को. T.S. Eliot डिस्कस करते हैं मेटाफिजिकल पोएट्स को. T.S. Eliot डिस्कस करते हैं कंसेप्ट ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी. ये थ्री मेजर कंसेप्ट हैं क्रिटिसिज्म में और इन तीनों को वो बड़ा डिटेल से डिस्कस करते हैं. अगर देखा जाए पोएट है, जर्नलिस्ट है, स्कूल टीचर है और अगर आप कैरियर के बारे में देखें, स्पेशली T.S. Eliot के कैरियर के बारे में देखें, तो ही इज अ पोएट, ही इज अ ड्रामेटिस्ट, ही इज अ क्रिटिक, ही इज अ जर्नलिस्ट, ही इज अ टीचर, ही डिड मैनी जॉब्स. ही माइग्रेटेड फ्रॉम अमेरिका टू इंग्लैंड. First of all, he got admission in Harvard. He studied there, ultimately got a scholarship and he went to Germany. From Germany, he went to England. He also faced two world wars. T.S. Eliot ne do world war dekhi. Pehli Jang-e-Azim 1914 se leke 1918 tak. Dusri 1939 se leke 1945. 1914 के बाद, यानी 1914 के बाद इंग्लैंड में थे और वहां ही इन्होंने स्टे कर लिया. वहां इनकी मुलाकात होती है वेबन से. वेबन इनकी पहली वाइफ हैं और उसके इलेजिटिमेट रिलेशन थे बर्डन रसल के साथ और उसके बाद सेपरेट होते हैं
or at the age of 70 he got another marriage, and the lady whom he got married, her age was about 32 and he was 70, and round about at the age of 77 he died. आज हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का कंसेप्ट को, ये इसका ऐसे है. हम डिस्कस करेंगे हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम के अंदर ये डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव को. उसके बाद हम मेटाफिजिकल पोएट्स को डिस्कस करेंगे, कंसेप्ट ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, और एक इनका ऐसे है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, हम इसको डिस्कस करेंगे. ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के अंदर टीएस एलियट डिस्कस करते हैं हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम के अंदर. ये ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव टर्म जो है वाशिंगटन एलिसन जो है एक पेंटर था, इसने इसको कॉइन किया था, लेकिन बाद में इसने अपने ऐसे हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम के अंदर इसको क्लैरिफाई किया, इसको मजीद एक्सप्लेन किया इन डिटेल. टीएस एलियट डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के अंदर, अगर आप एक अच्छा इमेज देना चाहते हैं, अगर आप इमोशन पैशन फीलिंग को इन्वोक करना चाहते हैं अपने वर्क के अंदर, यू मस्ट अप्लाई ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव. ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव अगर आप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो आपने हॉरर मूवी के अंदर थंडरस्टॉर्म को देखा होगा, नाइट को देखा होगा, हॉरर सीन के बैकग्राउंड पे आपने नाइट सीन देखे होंगे, आपने देखा होगा कि हॉरर सीन जो है वो नाइट और थंडरस्टॉर्म और जो पेनफुल सीन होते हैं उसे हमेशा बारिश के साथ रिलेट किया जाता है, जो ब्यूटीफुल सीन होते हैं उसे फ्लावर के साथ, फ्रेग्रेंस के साथ, और इसके साथ वेडिंग को रॉकिंग म्यूजिक के साथ डिस्प्ले किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है. ये है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव. अगर आप कोई ब्यूटीफुल इमेज दे रहे हैं, अगर आप कोई अच्छा सीन ले रहे हैं, रोमांटिक सीन दे रहे हैं, तो आप उसमें मातम जो है शो नहीं कर सकते बैकग्राउंड पे. यू मस्ट रिलेट योर बैकग्राउंड विद योर सीन. आप अपने सीन को जो बैकग्राउंड इमेज है उसके साथ जब रिलेट करते हैं तो इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव. और ये इमोशन पैशन फीलिंग एक इमेज से इन्वोक नहीं होती. अब वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स और सैमुअल टेलर कॉलरिज और इस तरह के पीबी शैली और इस तरह के जो रोमांटिक पोएट्स हैं, अगर उनके वर्क को देखें तो वो बहुत सारी सेंसेस को इन्वॉल्व करती हैं इन्वोक करने के लिए पैशन फीलिंग्स को. तो ये ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव है एक पोएट का कि वो इमोशन को कैसे इन्वोक करता है आपको इस तरह का बैकग्राउंड दिखा के, आपके डायलॉग के साथ, आपके आपकी पोएट्री के साथ इस तरह की इमेजेस शो करना दैट इन्वोक योर पैशंस, फीलिंग्स, इमोशंस, दैट इज व्हाट ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव. और ये जो टर्म है, ये जो वर्ड है, ये फर्स्ट टाइम ये टर्म किसने कॉइन की थी, वाशिंगटन एलिसन ने, लेकिन इसने हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम के अंदर इसको एक्सपाउंड किया, एक्सप्लेन किया. He wrote and explained his in his essay Hamlet and his problem. दूसरा main जो इसने discuss किया, इसने praised किया, इसने admire किया metaphysical poet और poetry को. 17th century के जो poets और उनकी poetry है, जिसको Samuel Johnson ने जिनको criticize किया था, उसने biography लिखी थी अब्राहम कोले की, जो कि metaphysical poet था. उसने अब्राहम कोले को क्रिटिसाइज किया, उसने दीगर पोएट मेटाफिजिकल पोएट को क्रिटिसाइज किया कि मेटाफिजिकल पोएट्स आर नॉट गुड पोएट, क्योंकि ये डिससिमिलर चीजों को इकट्ठा करते हैं और इस तरह से ऐसी चीजों को कंपैरिजन करते हैं जिनका कंपैरिजन बनता नहीं है. मिसाल के तौर पर कंपास को कंपेयर कर दिया लवर के साथ, और इंसेक्ट को कंपेयर कर दिया लव के साथ. तो इस तरह का कंपैरिजन, फरफेच्ड अ कंपैरिजन जो बनता नहीं है, उसको बनाने की कोशिश की जाती है. मोस्ट हेटरोजेनस आइडियाज आर योक टुगेदर बाय वायलेंस योक टुगेदर. तो इस तरह सैमुअल जॉनसन ने ये रिमार्क दी और क्रिटिसाइज किया अब्राहम कोले, जो कि मेटाफिजिकल पोएट था, उसको उसकी बायोग्राफी लिखते हुए इसने ऐसा लिखा, इसको इनको क्रिटिसाइज किया. टी एस एलियट 17th सेंचुरी के पोएट्स को एडमायर करता है
और साथ इनको प्रेस करता है और बताता है कि डिसिमिलर चीजों को कंपेयर करना ये तो विटी लोग करते हैं, ये तो इंटेलिजेंट लोग करते हैं, और ये उनको एडमायर करता है कि दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल, मेटाफिजिकल पोएट वर वेरी गुड पीपल। वो ऐसे आइडियाज को कंपेयर कर लेते हैं जिनको जिनका कंपैरिजन बनता नहीं। दे शुड बी एडमायर्ड, दे शुड बी ऑनर्ड, दे शुड बी रिस्पेक्टेड, व्हाई वी आर क्रिटिसाइजिंग देम। यानी ये क्रिटिसिज्म जो है ठीक नहीं है, ये बहुत अच्छा वर्क कर रहे थे 17th सेंचुरी के पोएट, जिसमें इब्राहिम ओले है, जिसमें जॉन डन है और दीगर पोएट्स को उसने, जॉन डन को उसने ज्यादा आइडलाइज किया। उसके बाद यूनिफिकेशन ऑफ थॉट्स, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी की वो बात करता है। वो बताता है कि एलिजाबेथन पोएट और जैकोबियन जो पोएट्स हैं, राइटर हैं, वो बड़े विटी हैं, बड़े इंटेलिजेंट हैं। वो इसमें एडमायर करता है एलिजाबेथन राइटर को, जैकोबियन राइटर को, मेटाफिजिकल राइटर को, कि ये अपनी अपनी पावर के साथ, अपनी विट के साथ, अपनी सेंसिबिलिटी के साथ ये क्या करते हैं, डिसिमिलर इमेज को इकट्ठा करके उससे फ्यूज, उनको फ्यूज, दे फ्यूज देम टुगेदर एंड दे प्रोड्यूस वंडरफुल वर्क। तो इस तरह ये बड़ा वंडरफुल वर्क करते हैं। वो कहता है कि ड्राइडन और मिल्टन का जो वर्क था, उनकी लैंग्वेज बहुत बड़ी थी, लैंग्वेज में खासी महारत थी, लेकिन वो अनएबल थे यूनिफिकेशन ऑफ थॉट और यूनिफिकेशन ऑफ थॉट और डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी अपने वर्क के अंदर लाने में। दे वर अनएबल टू फ्यूज डिफरेंट थिंग टूगेदर, सो दे आर लैगिंग बिहाइंड इन फ्यूजिंग डिफरेंट और डिसिमिलर थिंग टूगेदर एंड प्रोड्यूस something wonderful. So the people, the poets, like you can say the poets like metaphysical poets, Jacobian writers and Elizabethan writer, they were having capability to fuse dissimilar thing together and produce wonderful impression, expression through their work, through their poetry. So he admired that. Ab hum discuss karte hain T.S. Eliot ke work, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। टी एस एलियट के ऊपर इन्फ्लुएंस था इंडियन लिटरेचर फिलोसफी का, इन्फ्लुएंस ऑफ एज्रा पाउंड, इन्फ्लुएंस ऑफ मेटाफिजिकल पॉइंट, इन्फ्लुएंस ऑफ डांटे, इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंच राइटर। जैसे मैंने पहले बताया, टी एस एलियट डिस्कस करते हैं कि ब्रिटिश पोएट जो हैं वो कंक्लूसिव हैं, वो कंक्लूड करते हैं, वो स्पॉन्टेनियस हैं, वो चीज़ों को दो एंगल से नहीं देखते, गुड बैड से नहीं देखते, मेरिट डीमेरिट से नहीं देखते, क्रिटिकल व्यू से नहीं देखते, जबकि फ्रेंच राइटर जो हैं वो वर्क को, अपने वर्क को दोनों तरह से देखते हैं एंड दे आर वेरी क्रिटिकल इन देयर अप्रोच। टी एस एलियट अपने वर्क जे एल्फर्ड प्रोफ्रॉक, द सॉन्ग ऑफ जे एल्फर्ड प्रोफ्रॉक के अंदर हम देखते हैं कि उसका एक बड़ा डायलॉग है, आई हैव मेजर्ड आउट माई लाइफ विद कॉफी स्पून्स। इट मीन he's criticizing the person spent all his life with the coffee spoon, he's spending his life in the coffee shops and something like, and having dinner with the lady, enjoying coffee with the lady, so something like that. He criticized the modern peoples and the way of and behaviors of the modern people in wasteland, as well as J. Alfred Prufrock. Wo great poet the, ग्रेट प्ले राइट था, ग्रेट जर्नलिस्ट था, क्रिटिक था और राइटर है। टी एस एलियट क्रिटिसिज्म के अंदर एक रेवोल्यूशनरी कंसेप्ट देते हैं। टी एस एलियट ने 17th-16th सेंचुरी के पोएट्स को एडमायर किया और उनके बारे में वो बातें बताई जो पहले लोग उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे। जैसे उनको समझा जाता था कि ये डिसिमिलर चीज़ों को इन्वोक करते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं, उनको मिलाने की कोशिश करते हैं और ऐसी चीज इन्फ्यूज करते हैं जो कि दे आर नॉट ब्लेंडेबल, तो ये उनका ब्लेंड दिखाते हैं। तो जॉन डन को वो ज़्यादा एडमायर करता है कि ही वॉज वेरी गुड पोएट। वो पोएट्री कहाँ से करता है, वो हेड के जरिए करता है, ना कि थ्रू हार्ट। जबकि पहले जो पोएट्स थे, जो रोमांटिक पोएट्स हैं, वो क्या करते हैं, रोमांटिक पोएट्स वर्क कर रहे थे। रोमांटिक पोएट्स कैसे वर्क करते हैं, वो इमोशंस, पैशंस, फीलिंग्स, जहाँ जहाँ उनके पैशंस, उनके फीलिंग, उनकी इमोशंस उनके लेकर जाती है, वैसा लिखते जाते हैं। इवन के अपनी लाइफ को ही लिखते जाते हैं, कन्फेशनल पोएट्री करते जाते हैं, जो कि टी एस एलियट के लिए ठीक नहीं है। टी एस एलियट करता है, कहता है कि पोएट्री इज नॉट टर्निंग लूज ऑफ इमोशन,
rather escape from emotion. Poetry is not expression of personality, rather escape from personality. तो यहाँ पे वो वर्ड्सवर्थ की थ्योरी को क्रिटिसाइज करता है कि पोएट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ फीलिंग. पोएट्री ऐसी होनी चाहिए जैसे जॉन कीट्स कहता है कि जैसे दरख्तों के ऊपर ट्रीज आते हैं. तो ये ही ऑनर्ड रिस्पेक्टेड एक्सेप्टेड रिकग्नाइज द वर्क ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्स एंड पोएट्री एंड ही आल्सो एडमायर जॉन डन. टी एस एलियट ने कंसेप्ट दिया ब्रॉड क्रिटिसिज्म को, ब्रॉड कंसेप्ट दिया, इसने इन्फ्लुएंस किया बहुत सारे क्रिटिक्स को. टी एस एलियट हैड प्लान्ड मेनी कंसेप्ट ऑफ क्रिटिसिज्म जैसे ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी, डीपर्सनलाइजेशन, यानी पोएट्री को पोएट्री में डीपर्सनलाइज होना चाहिए. पोएट्री में एक पोएट को अपनी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट नहीं करना चाहिए. क्रिटिसिज्म क्या है? द आर्ट ऑफ कमेंटिंग, एवेल्युएटिंग, जजिंग पीस ऑफ योनरा लिटरेचर इज इट्स कॉल्ड क्रिटिसिज्म, लिटरेरी क्रिटिसिज्म. तो जब हम क्रिटिसिज्म की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट क्रिटिसिज्म, एडवांटेज और डिसएडवांटेज एंड मेरिट एंड डीमेरिट किसी चीज के डिस्कस करना, उसको क्रिटिसिज्म कहते हैं. T.S. Eliot as a critic अपने ऐसे ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट इसके अंदर डिस्कस करते हैं कि अगर आप अच्छे पोएट बनना चाहते हैं, यू नीड ट्रेडिशन एज वेल एज इंडिविजुअल टैलेंट. आपको होमर से लेके प्रेजेंट एज तक लिटरेचर को पढ़ना होगा, और फिर आप उसको जस्ट पढ़े नहीं, यू मस्ट अब्सॉर्ब, यू मस्ट लर्न, you must get historical sense and blend it with your personal knowledge and make it something wonderful. और जो आपके बाद आए वो आपको पढ़े और अपने individual blend के साथ एक new चीज दे, universal बना दे. जो आपके बाद आए वो आपको पढ़े, उसके बाद अपना individual knowledge दे के उसको universal बना दे. It is a continuous process. It's not static. It's not कॉन्स्टेंट, रादर इट इज अ स्टेटिक प्रोसेस. ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ना कि ये स्टेटिक है. ये कोई स्टेटिक प्रोसेस नहीं है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट. वो कहता है कि ट्रेडिशन को स्टडी करें और ट्रेडिशन से लर्न करें और अपने प्रेजेंट को करेक्ट करें थ्रू द नॉलेज ऑफ पास्ट. पास्ट आपको ये स्टैंडर्ड देता है कि आप अवैल्यूएट करें अपने प्रेजेंट को, और प्रेजेंट के जरिए आप पास्ट को मेंड कर सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं. तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है. तो उसने अपने आइडियाज दिए, कंसेप्ट ऑफ ट्रेडिशंस, इम्पर्सनैलिटी ऑफ पोएट्री और कंक्लूजन. इसने जो अपना ऐसे लिखा उसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया. अब हम इन थ्री पार्ट्स को डिस्कस करेंगे. कंसेप्ट ऑफ ट्रेडिशन, हम कंसेप्ट ऑफ ट्रेडिशन को डिस्कस करेंगे. इम्पर्सनैलिटी ऑफ पोएट्री, कि पर्सनैलिटी पोएट्री के अंदर आपकी पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट ना हो. जैसे कि पोएट्स जो हैं, जैसे रोमांटिक पोएट्स हैं, जैसे कॉन्फेशनल पोएट्स हैं, वो अपनी पोएट्री को डिस्कस करते हैं. सिल्विया प्लैथ को पढ़ें, अपनी लाइफ डिस्कस की. वर्ड्सवर्थ को पढ़ें, अपने बारे में डिस्कस कर रहे हैं. रोमांटिक पोएट अपने आप को डिस्कस कर रहे हैं. बट यू नीड टू डिस्कस थिंग्स विच आर बियॉन्ड योर पर्सनैलिटी. आपकी पर्सनैलिटी की एक्सप्रेशन ना हो आपकी पोएट्री, आपकी पोएट्री इजहार ना हो आपकी पर्सनैलिटी, then poetry will lose impression. आपने ऐसे के अंदर जो कि ये पब्लिश करते हैं मैगजीन, बड़ी प्रोमिनेंट मैगजीन के अंदर, इगोइस्ट में एक मैगजीन है, उसके अंदर ये पब्लिश करते हैं. और आजकल ये मॉडर्निस्ट पीरियोडिकल इंग्लैंड के अंदर के नाम से जानी जाती है. पीरियोडिकल का मतलब होता है ऐसी मैगजीन जो एक स्पेसिफिक या पर्टिकुलर टाइम के बाद आता है. जैसे हम पीरियोडिकल, हमने देखा होगा कि अगर आप संडे मैगजीन देखें तो वो एक स्पेसिफिक टाइम पे आता है. आप यंग वर्ल्ड एक पंफलेट है जो कि डॉन के साथ आता है, डॉन न्यूज़पेपर के साथ, उसका एक सैटरडे का टाइम है जैसे टेक्नोलॉजी के नाम से है. तो ये स्पेसिफिक जो पंफलेट हैं या मैगजीन है जो पीरियोडिकल्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर टाइम पर आते हैं, ये पीरियोडिकल के नाम से आजकल जाना जाता है. द कंसेप्ट ऑफ ट्रेडिशन,
क्या है कंसेप्ट ऑफ ट्रेडिशन का टीएस एलियट के नजदीक। टीएस एलियट आपको कंसेप्ट ऑफ ट्रेडिशन में बताते हैं कि ब्रिटिश राइटर जो हैं वो प्राउडी हैं, उनका एटीट्यूड लिटरेचर की तरफ क्या है, फ्रेंच राइटर का लिटरेचर की तरफ क्या एटीट्यूड है। ही सेड दैट इंग्लिश पीपल आर प्राउडी, दे फील प्राउड ऑन देयर लिटरेचर, दे डू नॉट सी गुड एंड बैड, दे डू नॉट सी मेरिट एंड डीमेरिट्स इन देयर वर्क। फ्रेंच राइटर जो है उनकी हैबिट क्रिटिकल है, वो अपने वर्क को क्रिटिकली देखते हैं, उनकी उनके अंदर हैबिट है, जबकि इंग्लैंड के जो लोग हैं, इंग्लिश पीपल जो हैं, वो क्या है, कंक्लूसिव है, कंक्लूजन पे बिलीव रखते हैं। ही से इंग्लिश पीपल यूज टू कंक्लूड थिंग्स एंड दे डू नॉट सी थिंग क्रिटिकली, वाइल फ्रेंच पीपल सी थिंग विद बोथ एंगल। फ्रेंच पीपल जो हैं वो दोनों एंगल से अपने लिटरेचर को देखते हैं, गुड बैड से, एडवांटेज डिसएडवांटेज से। इंग्लिश पीपल जो हैं वो प्राउडी हैं, स्पॉन्टेनियस हैं और लेस क्रिटिकल हैं, जबकि फ्रेंच पीपल जो हैं वो क्रिटिकल हैं अपनी अप्रोच में, वो चीज़ों को उनके गुड बैड से, उनके फार से, उनके गुड से, उनके अच्छे बुरे से, मेरिट डिमेरिट से, एडवांटेज डिसएडवांटेज से, हर एंगल से उसको परखते हैं, उसको वैल्यूएट करते हैं। फर्दर टीएस एलियट कहते हैं क्रिटिसिज्म इज एज इनेविटेबल एज ब्रीथिंग। ब्रीथिंग यानी क्रिटिसिज्म जो है वो बड़ा जरूरी है। वो एडमायर करते हैं ऐसे लोगों को जो इंडिविजुअल होते हैं अपने प्रीडेसेसर से। टीएस एलियट के नजदीक ट्रेडिशन ऐसे नहीं है कि आप ट्रेडिशन को जस्ट यूं देखें कि ट्रेडिशन आपने होमर को पढ़ा, डांटे को पढ़ा, इटालियन राइटर को पढ़ा, मेडिवल राइटर को पढ़ा, उसके बाद आपने रेनेसेंस राइटर को या एलिजाबेथन राइटर को पढ़ा, विक्टोरियन राइटर को पढ़ा, क्लासिकल राइटर को, न्यू क्लासिकल राइटर्स को पढ़ लिया, या आपने रोमांटिक राइटर को पढ़ लिया, मॉडर्न राइटर्स को पढ़ लिया, पोस्ट मॉडर्न राइटर्स को पढ़ लिया और हूबहू वैसा ही बता दें। नो, यू हैव टू क्रिएट समथिंग डिफरेंट एंड इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, इट इज नॉट अ स्टैटिक। यू स्टडी एंड यू गिव ब्लेंड ऑफ प्रीवियस नॉलेज एंड योर प्रेजेंट नॉलेज एंड दैट इज समथिंग डिफरेंट। और आप डिफरेंट क्रिएट करोगे और छोड़ कर जाओगे ताकि दूसरा आने वाला आपको स्टडी करके ट्रेडिशन को फिर स्टडी करे और लेकर चले। अलोन राइटर जो है पोएट कुछ नहीं है, अगर वो ट्रेडिशन से कट जाएगा, ही डज नॉट स्टडी ट्रेडिशन एंड आफ्टर दैट गिविंग हिज ओन थ्योरी ओन आइडिया, इट मीन दैट ही इज कट ऑफ फ्रॉम हिज मेन रूट। तो मेन रूट से वो कट ऑफ हो जाएगा तो उसके पास कुछ नहीं रहेगा। उसे चाहिए कि अपने हिस्टोरिकल राइटर्स को पढ़े, हिस्टोरिकल सेंस गेन करे और उसके बाद अपने नॉलेज को ब्लेंड करके उसके साथ लिखे। और नॉलेज को हूबहू कॉपी करना नहीं है, मेयर कॉपी नहीं है, यानी ट्रेडिशन इज नॉट अ स्लेविश कॉपी, इट्स नॉट जस्ट अ कॉपी ऑफ कॉपी, रादर यू हैव टू क्रिएट समथिंग वंडरफुल, यू हैव टू क्रिएट समथिंग ब्यूटिफुल आउट ऑफ दिस। दे ऑलवेज फाइंड इमीजिएट आइसोलेशंस ऑफ द पोएट फ्रॉम द इमीजिएट प्रीडिसेसर, जो प्रीडिसेसर से कुछ अच्छा करेगा, क्रिएटिव बनाएगा, यानी अपने प्रेजेंट को पास्ट से सीखेगा और पास्ट को बेहतर करेगा। सो प्रेजेंट इज अ वे टू इम्प्रूव पास्ट एंड पास्ट इज अ सोर्स टू इम्प्रूव प्रेजेंट, उसके नॉलेज के साथ अपने प्रेजेंट करके अच्छा बनाना है। टी एस एलियट इम्फेसाइज करते हैं कि पोएट शुड स्टडी पास्ट पोएट ट्रेडिशन and writers from Homer to present age and after that with his present knowledge, with his individual knowledge, he should create something wonderful so that this continuity should go on. ये continuity जो है ये maintain रहे, ये continue रहे, ये going on रहे, इस position में आपने रखना है। Individual एक writer क्या करेगा, Homer से present study करेगा, ट्रेडिशन को स्टडी करेगा और उससे नॉलेज हिस्टोरिकल सेंस गेन करेगा और उसके उसको अप्लाई करते हुए अपने प्रेजेंट नॉलेज को ब्लेंड करते हुए कोई चीज वंडरफुल क्रिएट करेगा। ही असर्ट ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअलिटी गोज टूगेदर। हिस्टोरिकल सेंस क्या है, ही मस्ट स्टडी एंड ऑब्जर्व हिस्टोरिकल पोएट्स राइटर्स एंड डिवेल्प हिज हिस्टोरिकल सेंस। हिस्टोरिकल सेंस कैसे बढ़े, जब आप ऑब्जर्व करोगे, जब आप विजनरी वे से देखोगे, जब आप विजनरी बनोगे, जब आप होमर से प्रेजेंट राइटर को स्टडी करोगे, ना सिर्फ स्टडी करोगे बल्कि उनको ऑब्जर्व करेंगे,
करोगे और अपने अंदर एक डिफरेंट एक नॉलेज जो है वो क्रिएट करेंगे और हिस्टोरिकल सेंस को मिला के अपने प्रेजेंट नॉलेज के साथ उसको बेहतर बनाओगे। और उसके बाद वो डिस्कस करता है थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी। थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी क्या है, लेट्स सी। द प्रोसेस ऑफ एन आर्टिस्ट, द प्रोग्रेस ऑफ एन आर्टिस्ट इज कंटिन्यूस सेल्फ सैक्रीफाइस एंड कंटिन्यूअल इंस्टिंक्शंस ऑफ पर्सनैलिटी। अगर आप एक अच्छा राइटर बनना चाहते हैं, अगर आप एक अच्छे राइटर बनना चाहते हैं, तो आपने अपनी पर्सनैलिटी को सेक्रीफाई करना है, अपनी कंटिन्यूअल एक्सटिंक्शन लानी है पर्सनैलिटी की अपने वर्क के अंदर। अगर आप ही अपने वर्क के अंदर हैं तो यू आर नॉट राइटिंग पोएट्री, रादर यू आर राइटिंग योर बायोग्राफी। पोएट्री शुड बी इम्पर्सनल एंड पोएट पर्सनल इमोशन शुड नॉट बी एडेड इन हिज पोएट्री। ये था थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी पीएस एलियट का। देखिएगा आगे पोएट डिस्कस करता है, क्रिटिक पीएस एलियट डिस्कस करता है कि पोएट्री इज नॉट टर्निंग लूज ऑफ इमोशन। पोएट्री जो है वो टर्निंग लूज ऑफ इमोशन नहीं है कि आप इमोशन ही अपनी लिखते रहें, रादर बट एस्केप फ्रॉम इमोशन, नॉट एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी वाइल एस्केप फ्रॉम पर्सनैलिटी। विलियम वर्ड्सवर्थ की थ्योरी को वो रिजेक्ट करता है, उसको क्रिटिसाइज करता है और रोमांटिक पोएट्स के वर्क को भी क्रिटिसाइज करता है, जॉन डन के वर्क को, मेटाफिजिकल पोएट्स, विक्टोरियन पोएट्स, सुन लीजिए जैकोबियन पोएट्स, इन पोएट्स को वो एडमायर करता है। टीएस एलियट से इट्स वेरी डिफिकल्ट, आखिर में वो कंक्लूड करता है अपने ऐसे को, वो कहता है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू राइट पोएट्री वाइल एस्केपिंग फ्रॉम योर पर्सनैलिटी, वेरी टफ वर्क। अपनी पर्सनैलिटी से हट के निकलना, अपनी पर्सनैलिटी से निकल कर लिखना, ऐसी पोएट्री करना कि आप रिफ्लेक्ट ना हो पोएट्री के अंदर, ये इम्पर्सनैलिटी लाना पोएट्री के अंदर बड़ा डिफिकल्ट है। अगर आप इन चीजों को मिलाते हैं, अपनी ट्रेडिशन को स्टडी करते हैं और पर्सनैलिटी लाते हैं, ब्लेंड देते हैं इंडिविजुअल टैलेंट का और ट्रेडिशन और इंडिविजुअल टैलेंट का, तो देन यू आर अ ग्रेट पोएट अकॉर्डिंग टू टीएस एलियट। टीएस एलियट 77 ईयर एज पाई है। टीएस एलियट की लाइफ में दो औरतें आई हैं, पहली का नाम था वेवन। वेवन जो थी ये बर्टन रसल के साथ इसका अफेयर था, तो उसको इन्होंने छोड़ दिया था, सेपरेट हो गए, और इसी की वजह से बेसिकली ही वॉज इन इंग्लैंड एंड अल्टीमेटली ही मेट हर व्हेन शी डाइड। उसके बाद फ्लेचर नामी एक सेकंड लेडी जो इनकी लाइफ में आती है, जो कि 70 ईयर ओल्ड थे और ये खुद 70 ईयर ओल्ड थे और वो 32 ईयर ओल्ड थी, और 77 एट द एज ऑफ 77 इनकी डेथ होती है। सो दैट इज ऑल अबाउट टीएस एलियट, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। वी हैव डिस्कस्ड थ्री पार्ट्स ऑफ एसे, हमने थ्री पार्ट्स ऑफ इनके जो एसे है उसके थ्री पार्ट्स को डिस्कस किया, ट्रेडिशन को डिस्कस किया, और उसके बाद हिस्टोरिकल सेंस को डिस्कस किया, हमने थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी को डिस्कस किया, कंक्लूजन को डिस्कस किया। टुमारो विल डिस्कस वन मोर असाइनमेंट। इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड टू ज्वाइन अस, कॉन्टैक्ट एट आर व्हाट्सएप, our WhatsApp number is 0305-631-9464. Subscribe, like our channel, the ESL Academy. Stay blessed.